सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार, परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार, होती रहे सदा अपार धन की बौछार, ऐसा हो आपका दिवाली का त्योहार। बना कर दिए मिट्टी के, इन्होंने जरा से आस पाली है, इनकी मेहनत खरीदो दोस्तों, इनके घर भी दिवाली है। दीप जलते जगमगाते रहें, हम आपको आप हमें याद आते रहें। जब तक जिंदगी है दुआ है हमारी, आप यूं ही दिए की तरह जगमगाते रहें। आज का पंचांग 14 नवंबर 2020 दिन शनिवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 2:18 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र रात्रि 8:09 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:27 से 10:49 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी तुला राशि पर रहेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली पर शनि स्वाति योग से सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। यह योग सुबह से लेकर रात के 8:48 तक रहेगी। दिवाली पर माँ लक्ष्मी जी की पूजा का लक्ष्मी पूजा मुहूर्त शाम 5:30 से 7:25 तक रहेगी। इसके अवधि 1:55 रहेगी। प्रदोष काल शाम 5:27 से 8:06 तक रहेगी। वृषभ काल शाम 5:30 से 7:25 तक रहेगी। मिथुन राशि 14 नवंबर 2020 दिन शनिवार, आज है बहुत सृजनात्मक अनुभव करेंगे। खूबसूरती की प्रशंसा के साथ साथ खुद भी कुछ खूबसूरत चीज बनाना चाहेंगे। दिन कलाकारों के लिए विशेष अच्छा है। हालांकि आज शुरू किए हुए कार्यों को आज ही पूरा कर लें, क्योंकि अचानक आप विकर्षित सा अनुभव करने लगेंगे। यह भावना काफी सामान्य है, लेकिन आप इसके कारण बिना बात निराश सा अनुभव करेंगे। अजग्रह गोचर तथा भाग्य दोनों आपके पक्ष में है। सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से संपन्न करने में सक्षम रहेंगे। ससुराल पक्ष के साथ संबंध और अधिक मधुर होंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपका विशेष रुझान रहेगा। आपको मिल रहे सम्मान और स्थान को बनाए रखना आज आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। हर तरीके से आपकी कृति को परखा जा सकता है, इसलिए जो बातें आपको ठीक लगती है उन्हीं बातों पर कायम रहें। बुजुर्गों द्वारा आपके निर्णय को सहमति मिल पाना आज कठिन हो सकता है। परिवार के किसी व्यक्ति का बड़ा आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। बॉस को अपने सहकर्मियों पर नियंत्रण रख पाना आज थोड़ा मुश्किल होगा। विचारों में भिन्नता बढ़ने के वजह से पार्टनर में नाराजगी रहेगी, लेकिन इसका असर रिलेशनशिप पर नहीं होगा। शरीर में बढ़ती गर्मी की वजह से इम्यूनिटी कम हो सकती है। सावधानियां, किसी भी अपरिचित व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी होने की आशंका है। किसी भी प्रकार की उधारी या लेन देन ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। किसी पारिवारिक सदस्य का विवाह संबंधित रिश्ता आने से घर में खुशियां रहेगी। सभी सदस्यों के बीच आपसे सामंजस्य मधुर बना रहेगा। आपको कोई ऐसी सूचना मिलेगी जिससे आपको अपने पार्टनर के बारे में जानने में भी मदद मिलेगी। इससे आपका संबंध बेहतर होगा।
पिछले कुछ दिनों से आपका पार्टनर उलझाने वाले और वहम में डालने वाले संकेत भी दे रहा है, लेकिन आज आप इनके इस व्यवहार का कारण समझ पाएंगे। आज आप अपने साथी को कोई तोहफा भी दे सकते हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा। आज आप अपने भविष्य के बारे में भी कुछ अहम फैसला ले सकते हैं। घर में खुशनुमा भरा वातावरण रहेगा, बस वाद विवाद और क्रोध से बचें। बात करते हैं करियर की। प्रॉपर्टी के व्यवसाय से जुड़े लोगों की आज कोई बेहतरीन डील हो सकती है। साथ ही पब्लिक डीलिंग से जुड़े व्यवसाय में भी मुनाफा कमाएंगे। नौकरी पेशे व्यक्तियों को कोई ऑफिशियल यात्रा संबंधित ऑर्डर मिल सकती है। आकर्षण एवं विचारों की असमानता आप और आपके साथी के बीच विकसित होने की संभावना है, लेकिन आपको अपने विचारों से नहीं हटना है और उसी के साथ रहना है। लेकिन आप चिंता ना करें, क्योंकि ये स्थिति एक स्थायी मन मुटाव को जन्म नहीं देगी। हालांकि आपके साथी के साथ आपका थोड़ा पर दोपहर तक सब ठीक हो जाएगा। आज आप अपने काम में अधिक व्यस्त भी रह सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। आज किसी प्रियजन को थोड़ा बीमार होने के कारण आपकी देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। आप खुद को उनकी देखभाल के लिए तैयार पाएंगे, लेकिन साफ सफाई का ध्यान रखें और हाथों को कई बार धोएं। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आज छोटे छोटे चीजों के बारे में विशेष सावधानी रखें, क्योंकि आज आपको कई तरह के संक्रमण होने का खतरा है। आज का उपाय। आज के दिन अमावस्या रहती है और आज शनिवार भी है, तो आज आप पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें, बहुत शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।